चलिए अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं पेज 14 पे। इसमें मैं ट्रू फॉल्स दिए हैं, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है। मैंने क्वेश्चन सारे नहीं लिखे, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है। आप अभी अगर आपने घर से नहीं ये क्वेश्चन लिख के लाया तो अभी आप रफ कॉपी में करें, ठीक है, फिर फेयर कॉपी में घर जाके दोबारा उतारिएगा। और बार बार फिर मैं कह रहा हूँ समझें, रटे नहीं, समझें। ये ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। अब पहले स्टेटमेंट है इफ ए, ये ए एक सेट है, इसके एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी ई, और बी के एलिमेंट क्या है, बी डी और ई। तो क्या बी के एलिमेंट्स ए में है? तो बी ए का सबसेट है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है। और ये सिंबल किसका है? इम्प्रॉपर का। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ट्रू कब होता अगर ये लाइन नहीं लगी होती? अब क्या बन गया, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो अब ठीक हो जाता। बात समझ रहे? सिर्फ ये लाइन अगर नहीं लगी होती तो फिर आंसर क्या होता, ट्रू। इस लाइन की वजह से आंसर क्या हो गया, False. समझ आ रहा है? Yeah. अगर मैं ये लाइन हटा दूंगा, मैं रेड पेन से लिखता हूं, रेड पेन मैंने कहा रख दिया, अगर मैं लाइन हटा दूंगा तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये याद रखने वाली बात है। अगर तो मैं इसको यूं लिख दूं कि बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो फिर ये फॉल्स नहीं है, फिर ये ट्रू है, क्योंकि बी ए का सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर है, और ये प्रॉपर का सिंबल ही है, ये इम्प्रॉपर का, इसलिए ये गलत है, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ ए बी सी और 1 2 3, ये हमने पढ़ा नहीं था। क्वेश्चन है, देयर कैन बी नो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस इन सेट ए एंड सेट बी। कह रहा है सेट ए और सेट ए बी में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हो सकती। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होती है, आप एक सेट को ऊपर लिख लें, दूसरे सेट को नीचे लिख लें, और इसके एक एलिमेंट को इसके एक एलिमेंट से मिलाएं। जैसे ए को मैंने कहाँ से मिला दिया, 1 से, बी को कहाँ से मिला दिया, 2 से, सी को कहाँ से मिला दिया। अगर ए का हर एक सेट, ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से मिल गया तो हम कहेंगे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। वो क्या पूछ रहा है कि इनमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, तो उसकी स्टेटमेंट क्या है, उसकी स्टेटमेंट गलत है ना यार। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होती है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट को मैं सेट बी के हर एक एलिमेंट से मिला दूं तो मैं कहूंगा देयर इज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन सेट ए एंड सेट, ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। नहीं कब होती, यहां सी होता और यहां कोई भी नहीं होता। अब सी के आगे कोई एलिमेंट मौजूद, तो अब मैं इसके हर एक एलिमेंट को इसके हर एक एलिमेंट से कॉरेस्पॉन्ड, कॉरेस्पॉन्ड का मतलब होता है उसके मुताबिक, उसके सामने भी कुछ हो, सही है। तो अब तो है, इसका मतलब है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। वो जो कह रहा है कि नहीं है तो वो अगेन क्या कह रहा है, फॉल्स कह रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर सेट्स इक्विवेलेंट होंगे तो क्या होगा, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। अगर इसके भी तीन एलिमेंट है, इसके भी तीन एलिमेंट है, तो इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट से मिल जाएगा। अगर इसके दो हैं, इसके तीन हैं, या इसके चार हैं, इसके तीन हैं, तब 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होगी, ठीक है। फिर आगे कह रहा है सेट ए जो है वो जापान, चाइना और साउथ कोरिया है, और सेट बी मार्स, अर्थ, जुपिटर और यूनियस है, यूरेनस है। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट कब होते हैं, जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं, कहाँ है, फोर, एक दो तीन, ए में कितने, बी में कितने, तो ये इक्विवेलेंट है, तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। फिर पांचवे में, चौथे में कहता है, क्या कहता है, द पावर सेट इंक्लूड्स अ नल सेट। पावर सेट में नल सेट भी होता है, ये ट्रू है या फॉल्स है? पावर सेट में नल सेट नहीं होता, स्टार्ट ही नल सेट से होता है पावर सेट।
हाँ भाई ट्रू है। कैसे पढ़ के आए हो? कल भी पावर सेट बनाया था, परसों भी पावर सेट बनाया था। पावर सेट का पहला सेट क्या होता है? नल सेट। तो पावर सेट में नल सेट होता है, ठीक है। पांचवे में कहता है पी 1 2 3 डॉट 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 10, यानी 1 से लेकर, कहता है अगर इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, किस फॉर्म में लिखूं, तो वो इस तरह लिखूंगा। क्या ये सही है? सेट बिल्डर नो। क्यों क्यों? सेट बिल्डर क्या होती है? ये कौन सी फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म है ना, ये भी टेबुलर फॉर्म है, ये भी टेबुलर। एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती थी, उसमें हम कैसे लिखते थे? डिस्क्रिप्टिव में एक स्टेटमेंट होती थी ना, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, या सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10, ये डिस्क्रिप्टिव है, ये टेबुलर है। सेट बिल्डर कैसी होती थी? सेट बिल्डर में हम सेट को पत्थर मारते थे तो सेट क्या हो जाता था? बिल्ड हो जाता था, जिस तरह बिल्डिंग बनती है पत्थरों से। क्यों ऐसे ही करते थे ना? सेट बिल्डर में हम क्या करते हैं? सेट को पत्थर मारते हैं, बाहर से पत्थर लाऊं मारूं इसको, फिर क्या करूं भाई? सेट बिल्डर में रूल से लिखते थे ना, एक्स सच दैट। तो क्या ये सेट बिल्डर है? No. तो क्या है? फॉल्स है ना। अब मैंने कल कितनी जोर से आपको कहा था कि पढ़ के आना, लेकिन आप लोग फिर भी पढ़ के नहीं आए। हाँ भाई क्या मसला है? अब मैं आए एक से पूछूंगा। अगला सवाल 6, अ सेट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन अ स्कूल इज अ फाइन नाइट सेट। बेटा आपका नाम मैं भूल गया, फाद। और से सुनो, अ सेट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन अ स्कूल इज फाइनाइट सेट। किसी स्कूल के तमाम स्टूडेंट का सेट फाइनाइट होता है, ये फॉल्स है या ट्रू है? ट्रू है। क्यों? फाइनाइट क्या होता है? जिसमें हम एलिमेंट्स को गिन सकते हैं, आप नहीं बोलो ठीक है, इसलिए फाइनाइट है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुई फॉल्स हुई? ट्रू हुई ना, ठीक है, फाइनाइट होता है, सही है। अच्छा आगे है 7वां सवाल, अ सेट ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ऑल द ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ द इज अ वेल डिफाइंड सेट। दुनिया के तमाम खूबसूरत शहरों का सेट वेल डिफाइंड है, वानी आप बताएं, बैठ के बताएं। फॉल्स है। क्यों? सॉरी, सारे अलग अलग होंगे तो, अलग अलग होंगे तो ठीक है ना, इससे क्या मसला है? ये जो लफ्ज है ब्यूटीफुल, ये गड़बड़ है। आप कहेंगे इस्लामाबाद ब्यूटीफुल है, मैं कहूंगा नहीं लंदन ब्यूटीफुल है। फैसला नहीं हो पाएगा कि ब्यूटीफुल शहर कौन सा है। ये वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड वो चीज़ होती है जिस पे सब मुत्तफिक हों। जिसे मैं कहूँ अभी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम लिखूं, तो क्या आप सब एक दूसरे से इख्तिलाफ करेंगे? आप सब एक दूसरे के नाम लिख लेंगे तो ये वेल डिफाइंड है। या पाकिस्तान के शहरों के नाम, ये भी क्या है? वेल। अगर मैं कहूँ पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों के नाम, फिर फड्डा हो जाएगा। कोई कहेगा इस्लामाबाद खूबसूरत है, कोई कहेगा, तो ये खूबसूरत, बदसूरत, मजबूत, कमज़ोर, ऐसे लफ्ज़ जो हैं ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये क्या हुआ? फॉल्स हुआ। और से 8वां कहते हैं द सिंबल, ये जो सिंबल है, अच्छा मैंने 8वां लिखा ही नहीं है, 9वां लिख दिया है, 12 यहाँ लिख देता हूँ 8वां। ये जो सिंबल है कहता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? द सिंबल डिनोट्स अ सबसेट। ये जो सिंबल है ये सबसेट का सिंबल है, ठीक है, आप बताओ भाई सही है ये? शाहजेब ये सबसेट का सिंबल है, इतना तो भाई पढ़ लिया होगा 2 दिन में। ये सबसेट का सिंबल है या नहीं है, सिर्फ ये सवाल है? नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। सबसेट का सिंबल क्या होता है? सबसेट का सिंबल ये है,
या ये है, ये प्रॉपर है और ये इम्प्रॉपर है, ठीक है। नवे में कहता है सेट बी इज द सुपर सेट ऑफ सेट ए, सेट बी सेट ए का सुपर सेट है, सेट बी का इफ सेट बी कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, सेट बी सेट ए का सुपर सेट है अगर सेट बी में सेट ए के तमाम एलिमेंट्स हैं। जी ऋषिदा, यस यही होता है सुपर सेट, यही सुपर सेट की डेफिनेशन है, ठीक है। दसवा, द कार्डिनेलिटी ऑफ सेट ए, सेट ए दिया हुआ है मैं, उसमें 5, 5, 10, 15, 20, 25 कहते हैं इसकी कार्डिनेलिटी 30 है, क्या 30 है कार्डिनेलिटी, जी एम आर पी, ये सही है, अच्छा ठीक है। क्यों, कैसे हमने कहा 30 सही है जवेरिया बैठ के, क्यों 30 नहीं है, क्योंकि ये 5, इसका आंसर क्या होता, सही कब होता जब इस 30 की जगह क्या होता 5 होता। कार्डिनेलिटी कहते हैं सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद को, इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये सही जब होता जब 30 की जगह क्या होता 5 होता, सही है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ना 30 की जगह 5 होता तो तब ये ट्रू होता, ये आपने याद रखनी है, चाहे तो 30 के साथ ब्रैकेट में लिख लो 5, कि अगर 5 होगा तो ट्रू होगा, ठीक है। फिर 11वां सवाल में ये बहुत सारे पूछे, टी बराबर है ए बी सी, टी एक सेट है, इसके एलिमेंट्स क्या है ए बी सी। अबे पहले में क्या पूछ रहा है, ए ये किसका सिंबल है, अरीबा मेंबर ऑफ टी, तो ए टी का मेंबर है, तो ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, ठीक है। फिर कह रहे हैं ए ये क्या है, किस चीज का सिंबल है, अलवीना प्रॉपर सबसेट है टी का, तो क्या ए टी का प्रॉपर सबसेट है, क्यों क्योंकि इसमें एक सेट की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो सिर्फ ए है, वेरी गुड। ये सेट जब होता जब इसके साथ ब्रैकेट भी बनी हुई होती, ये तो सेट ही नहीं है, ये तो सेट नहीं है, सेट होगा तो वो सबसेट होगा ना, ये तो सेट ही नहीं है, जब सेट ही नहीं है तो सबसेट का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये तो फॉल्स है, इसको तो देखने की जरूरत भी नहीं है कि ए टी में है या नहीं है, ये सिंबल सवाल ही गलत है, उसने दिया हुआ गलत है। इस तरह बी, बी सुपर सेट है टी का, अगेन ये बी जो है ये सेट ही नहीं है, करली ब्रैकेट कहाँ है, करली ब्रैकेट है, तो बी तो सेट ही नहीं है, तो ये टी का क्या होगा, ना सबसेट होगा ना सुपर सेट होगा, कुछ भी नहीं होगा, अगेन ये बी भी सेट नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। ये सेट है, अब ये सारे सेट हैं करली ब्रैकेट्स हैं, सही है। तो सेट ऐसा सेट जिसके अंदर ए है, ये टी का ये किसका सिंबल है, तो अब ये ट्रू होगा, ट्रू होगा, अब ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। अब अमार बताएगा भैया, अमार अब सेट है इसमें ए और बी है, ये जो ए और बी सेट है क्या ये टी का प्रॉपर सबसेट है, क्यों क्या हो गया आज तुम्हें, ये ए और बी टी में मौजूद है तो फिर सबसेट नहीं है, यही तो सबसेट होता है, सही है। ए बी सी अहमद जेब ट्रू है, ट्रू है, क्यों ये सिंबल गलत है ना यार, ये जो टी है वही है, इम्प्रॉपर होगा ना, ये इम्प्रॉपर का सिंबल नहीं है, ये किसका सिंबल है, प्रॉपर का है, अगर यहाँ लाइन लगी होती फिर क्या होता, फिर ट्रू होता, अगर यहाँ लाइन लगी होती तो फिर ये स्टेटमेंट क्या होती, ट्रू होती,
कि ए बी सी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ टी। अभी क्या लिखा हुआ है, ए बी सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ टी। तो ए बी सी टी का प्रॉपर सबसेट नहीं है क्योंकि टी खुद ए बी सी है, तो ये तो बराबर हो गए ना, कल मैंने समझाया था ना। इसमें अगर वो लाइन लग जाती, अब टी और ए बी सी बराबर है, तो बराबर है तो तब ये लाइन लगानी पड़ती है, अब इसलिए लाइन नहीं लगाई है, तो स्टेटमेंट दोबारा क्या है, फॉल्स है। और नल सेट या एम्प्टी सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ टी, खाली सेट जो है ये टी का सबसेट नहीं होगा, ये ट्रू है या फॉल्स है? खाली सेट तो हर सेट का सबसेट होता है ना, जब ही तो हम पावर सेट में उसको लिखते हैं। पावर सेट की डेफिनेशन क्या थी, पावर सेट इज अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट। पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जो किसी सेट के सारे सबसेट, अगर मैं अभी इस टी का पावर सेट लिखूं, इस टी का पावर सेट लिखूं, तो पहला सबसेट में क्या लिखूंगा, एम्प्टी, फिर क्या लिखूंगा, ए, फिर क्या लिखूंगा, फिर आगे सारे लिखूंगा, तो एम्प्टी सेट इसका सबसेट है ना। इसने कहा हुआ एम्प्टी सेट इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो इसने स्टेटमेंट क्या दी हुई है, गलत दी हुई है। एम्प्टी सेट अगर ये नहीं का लाइन है ना, एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ टी, सही है, तो ये ट्रू होता। अब इसने लाइन लगा दी है कि एम्प्टी सेट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ टी, तो ये क्या है, फॉल्स है। एम्प्टी सेट टी का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। बस बारहवां, ए जो है ए बी सी का मेंबर है, ए जो है, मानिए आप गौर से नहीं सुन रही मेरी बातें, आप कहीं और हैं, कहाँ हैं, घर पे तो नहीं है, इधर ही है। ये जो ए है ये किस चीज का सिंबल है, अच्छा ये बताएं ये ट्रू है या फॉल्स है, क्यों, अगर इसकी जगह मैं डी लिख दूं ए की जगह, फिर क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आप बता दो सही नहीं है, ये बिलोंग्स टू है ना, या मेंबर ऑफ, ए इज अ मेंबर ऑफ दिस सेट, तो ए इसका मेंबर है, सही है, तो ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है। फिर कह रहा है ये जो सेट है जिसका एलिमेंट बी है, ये इस सेट का इम्प्रॉपर, इस सेट का प्रॉपर सबसेट है या नहीं है, है ना, ट्रू है। सी जो है, अब लाइन लगा दी, इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए बी सी, फॉल्स है, सी तो इसका मेंबर है। ए बी सी इक्वल है ए डी के, फॉल्स है, कैसे, इसके तो एलिमेंट्स ही सेम नहीं है, तादाद भी सेम नहीं है। थ्री फाइव सेट इज अ प्रॉपर सबसेट, फॉल्स, क्योंकि यहां थ्री है फाइव है सेवन तो है ही नहीं इसमें, ठीक है, फॉल्स, ठीक है, वेरी गुड। वन टू इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ टू थ्री फोर, ट्रू, क्यों, फॉल्स है तो क्यों है, ट्रू है तो क्यों है, ये सेट वन टू है और ये सेट टू थ्री फोर है, तो सेट वन टू सेट टू थ्री फोर का सबसेट होगा या नहीं होगा, पहला सवाल तो ये नहीं होगा, क्यों, कौन सा एलिमेंट नहीं है, वन नहीं है ना, तो बस ठीक है ना, फिर नहीं है प्रॉपर सबसेट, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फिर कह रहे हो फॉल्स है। अबे नहीं है तो वो भी तो कह रहा है नहीं है, आपने क्या कहा कि ये इसका सबसेट, तो उसने भी तो यही कहा है नहीं है, ये लाइन यही तो बता रही है कि नहीं है, सही है, अगर लाइन नहीं लगी होगी तो फिर का मतलब होगा है, समझ आ रही है, ये जा रही है, ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैर, यहीं पे एंड करते हैं।